बैक टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। सो भाई लोग, अभी हम राम मंदिर में जा रहे हैं, तो रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो अभी मंदिर चलते हैं और उधर मम्मी को थोड़ा सा मंदिर में दर्शन वगैरह करवाएंगे, और फिर मुझे आयुष के वहाँ जाना है। तो चलो चलते हैं और फिर घर आएंगे और फिर आयुष के वहाँ चलते हैं, मंदिर में मिलता हूँ मैं आप सब लोगों को। सो गाइस, हम अभी मंदिर में आ चुके हैं। तो जैक को मैंने पीछे पार्किंग कर दिया है, क्योंकि आगे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह है और गाड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो जैक को रखने का मतलब जगह नहीं है, इसलिए मैंने घर पीछे रख दिया। इधर आप लोग देखो सामने बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ वगैरह है। तो इधर मम्मी कुछ सामान वगैरह ख़रीदना था, इनको पूजा का कुछ नारियल वो सब, तो ये ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने साथ से ख़रीद लिया। तो चलो अभी निकलते हैं मंदिर के अंदर। सो गाइस, अब देखो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और गाइस इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, सो भाई लोग अभी हम अंदर जाने वाले हैं, इधर थोड़ा सा भीड़ वगैरह है तो अंदर नहीं जा सकते बहुत जल्दी जल्दी। और डेकोरेशन वगैरह भी आज अच्छा खासा हुआ है, मतलब हर रोज ही होता है बट आज थोड़ा सा ज़्यादा ही कर रखे हैं, और बहुत ही प्यारा दिख रहा है मंदिर। और इधर देखो मम्मी कुछ वो दिए वगैरह कुछ उधर जलाने के लिए जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो उधर। और इधर बहुत सारी मतलब आंटी आ गई और जो अंकल वगैरह वो सब लगा रहे हैं दिया वगैरह। तो अंदर हम जाएंगे, बस थोड़ा सा ये ज़्यादा भीड़ वगैरह है, तो मम्मी को दिया जलाने देते हैं पहले। तो गाइस इधर ऊपर चढ़ते हैं और इधर राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मंदिर के अंदर डायरेक्ट हम एंटर नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड से एक थोड़ा सा गली जैसा रास्ता है, तो उधर से जाएंगे तो मंदिर के अंदर जाएंगे। क्योंकि गाइस सामने ही वो लोग मतलब भैया लोग बैठे हुए हैं और इधर लाइन से सब लोग आ रहे हैं, तो अभी हम अंदर चलते हैं। और इधर देखो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर। ठीक है, तो इधर से हम राइट लेके हाँ चलो कहीं से ऊपर चढ़ते हैं अभी। तो मम्मी पहले जा रही है, मैं पीछे रह गया। तो गाइस अभी मम्मी उधर पूजा वगैरह कर रही हैं और मैं इधर खड़ा हूँ साइड में, तो इंतज़ार करते हैं मम्मी का। हम घर निकल रहे हैं, ठीक है, और मंदिर से हम आ चुके हैं। तो अभी जैक को मैंने थोड़ा सा आगे पार्किंग किया था, क्योंकि उधर थोड़ा सा भीड़ वगैरह था इसीलिए। तो उधर से जैक को लेते हैं और फिर मैं घर जाऊंगा और फिर आयुष के घर आऊंगा। चलो निकलते हैं अभी, कल भी कुछ पूजा वगैरह है, गांव में जाएगा मम्मी, जाएंगी मम्मी। ठीक है, तो ये वगैरह कुछ ले रही हैं, कुछ पूजा का सामान वगैरह, तो ठीक है चलो घर निकलते हैं अभी। गाइस अभी मैंने जैक को निकाल लिया है बाहर और मम्मी उधर कुछ सब्जियां वगैरह खरीद रही है। ठीक है, तो आलोक भी आ चुका है संबलपुर से, तो उसको स्टेशन लेने जाएंगे, मैं मम्मी को छोड़ के घर पे आ जाऊंगा वापस इधर। और जैक फुली रेडी है जाने के लिए, पर मम्मी कुछ सब्जियां वगैरह खरीद रही हैं। ठीक है, चलो गाइस अभी घर निकलते हैं।